जिला सोलन की रहने वाली हिमांशी ने हिमाचल का नाम बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पूरे देश में रोशन किया है। बता दें कि राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीतने के बाद हिमांशी का चयन राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता दिल्ली के लिए हुआ था, जिसमें हिमांशी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। यही वजह रही कि सोलन वासियों में आज खुशी की लहर देखी गई। सभी ने गर्मजोशी के साथ हिमांशी का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन में पहुँचने पर जोरदार स्वागत किया। हिमांशी पिछले 2 साल से बॉक्सिंग खेल रही है और इतने कम समय में 20 डिस्ट्रिक्ट्स, 6 स्टेट और 4 बार नेशनल स्तर पर प्रदर्शन कर चुकी हैं। वहीं आज बॉक्सिंग में जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रही है, उसके लिए वो अपना आदर्श इंडियन फीमेल बॉक्सिंग प्लेयर मैरी कॉम को मानती है। हिमांशी सोलन जिला की रहने वाली है और हॉल में गर्ल्स स्कूल सोलन में 11वीं कक्षा की छात्रा है। हिमांशी के पिता मनोज कुमार सोलन में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात है। वहीं माता निर्मला देवी हाउसवाइफ है। राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन होने पर माता पिता बहुत खुश है। उन्होंने हिमांशी की इस जीत के लिए उसकी कड़ी मेहनत को उसकी सफलता की कुंजी बताया है। वहीं हिमांशी के अध्यापकों और स्पोर्ट्स टीचर ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हिमांशी विलक्षण प्रतिभागी की धनी है, क्योंकि हिमांशी ने जो भी खेल खेले उसमें स्कूल का नाम जरूर रोशन किया है। उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे बॉक्सिंग में जाने के लिए प्रेरित किया गया और इस खेल में भी हिमांशी ने एक बार फिर से स्कूल और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। मेरा नाम हिमांशी है, मैं गर्ल्स स्कूल में हूँ और अभी मेरा नेशनल था दिल्ली में और वहाँ से मैं ब्रॉन्ज लेके आई हूँ और मेरी खेलो इंडिया के लिए सिलेक्शन हुई है और खेलो इंडिया असम में है गुवाहाटी में जनवरी में। अपना फ्यूचर भी बन रहा है, साथ साथ में पेरेंट्स का नाम ऊँचा और अपने स्कूल का, अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट सभी का, इसलिए तो एक्साइटमेंट तो है ही। मैं प्लस वन में हूँ, मैं 6 से खेलते आ रही हूँ। पहले मैं हॉकी खेलती थी, अब 2 साल हो गए मैं बॉक्सिंग खेलती हूँ। बॉक्सिंग में मैंने 3 नेशनल खेल लिया है और अब इस बार मेडल आया है। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो वो चीज़ करनी चाहिए, कि जैसे मुझे स्पोर्ट्स में था तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोल रहे हैं कि नहीं करो करो, पेरेंट्स भी साथ दे रहे हैं, टीचर्स भी सभी साथ दे रहे हैं और सभी के लिए मैसेज है जो जिसने करना है वो करे। हमें बहुत खुशी है, इतनी शायद इसके पेरेंट्स को भी नहीं है जितनी हमें खुशी हुई है। ये बच्चा हमारा मतलब 6ठी से मतलब ये पढ़ाया हुआ बच्चा है और बहुत ही अच्छी बच्ची है ये, बहुत ही अच्छी। हाँ जी, हर 6ठी से ही हमारे साथ ये टूर्नामेंट में भी खेल रही है। इसकी शुरुआत जो है टूर्नामेंट में, सबसे पहले इसने बैडमिंटन से शुरुआत की थी तो बैडमिंटन में भी अच्छा इसने अपना मतलब वो मेहनत की है और डिस्ट्रिक्ट खेला है इसने। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हॉकी में इसने पार्टिसिपेट किया है तो उसमें ये स्टेट तक गई है ये बच्ची, वहाँ स्टेट में भी इसने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है। और उसके बाद धीरे धीरे ये जैसे ही बॉक्सिंग इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में इम्प्लीमेंट हुआ है तो हमने इसको बॉक्सिंग में इसको थोड़ा सा वो योगदान दिया है कि भी बच्चे आपने बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करने हैं, क्योंकि आप बॉक्सिंग के लिए मतलब बहुत अच्छी आपकी बॉडी है, मतलब हाइट वाइट ठीक है तो आप बॉक्सिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसने करके ही दिखाया है। हमारे यहाँ पे प्लस वन की जो है ये छात्रा हिमांशी, इसने ब्रॉन्ज मेडल नेशनल में जीता है तो मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मैं इसे उम्मीद रखूंगी कि ये अगले साल जो है गोल्ड लेके आए नेशनल से, क्योंकि इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स में और ये अपने मम्मी पापा का और हमारे स्कूल का और जो है हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा करे, ये मैं इससे उम्मीद रखती हूँ। जैसे ये अभी जीत के आ गई है तो हम लोग स्कूल की तरफ से, हमारे जैसे प्रधानाचार्य महोदय जी हैं, इनको पता लगता है कि हमारे को किसी चीज़ की बच्चे को कोई कमी है तो हम ये भी पूरा करते हैं, क्योंकि ये पूरा सहयोग देते हैं हमारे को इसके लिए। और दूसरा जो है हमारे को, अगर ये सरकार भी जो है आगे जैसे ये जीत के आई है उनकी तरफ से भी कुछ इनाम मिलता है, स्पेशल कुछ जो है इनको राशि दी जाती है इसमें, ठीक है, तो वो भी होता है, क्योंकि अब बच्चा जब चमक रहा है तो सरकार भी सहायता करती है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन, हमारे विद्यालय की स्टूडेंट हिमांशी प्लस वन की स्टूडेंट अंडर 19 में दिल्ली में स्टेट लेवल में विन करने के बाद नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने गई थी और उसने नेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में हासिल किया और जो कि हमारे विद्यालय के लिए, हमारी स्टेट के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और साथ में इसने खेलो इंडिया में अपने स्वैच्छिक पार्टिसिपेशन थी जिसमें इसका बॉक्सिंग में ही गोल्ड मेडल रहा है। हम इसको बच्ची को ब्लेसिंग्स देते हैं कि आगे भी फ्यूचर में और मेहनत करें और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करें। लाइफ
टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।